हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज दूसरी डिसीज़ के डिस्कस करने आए हैं, कॉमन यूज़ के लिए, कॉमन जानकारी के लिए, जिससे कि हम उसकी प्रिकॉशन ले सकें और उसको प्रॉपर बेहतर इलाज कर सकें। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फेशियल पिगमेंटेशन है। आम भाषा में लोग जब चेहरे पर कोई भी कलर आता है, डार्क कलर आता है, तो हम बोलते हैं झाइयाँ हो गई हैं। झाइयाँ हमेशा झाई बेसिकली हार्मोनल होती है, तो हर एक फेशियल पिगमेंटेशन झाई नहीं होता। कुछ फोटो पिगमेंटेशन भी होते हैं, कुछ किसी चीज़ की एलर्जी से बन सकते हैं। तो कोई भी कलर चेंज फेस पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसको उसके काज के हिसाब से ठीक किया जाता है। और हम इन चीज़ों का प्रॉपर इलाज करें तो ठीक हो सकता, प्रॉपर ठीक भी हो सकता है। लेकिन कोई भी अगर झाइयाँ या कोई भी पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पर आ जाए तो उसको मेंटेनेंस लॉन्ग होती है। शुरू में ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट करके जब हम उसको ठीक कर लेते हैं तो अब ये नहीं कि हम अब प्रिकॉशन नहीं लेनी, प्रिकॉशन हमें लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है टू मेंटेन दैट ट्रीटमेंट, टू मेंटेन दैट रिजल्ट रादर। तो कॉमनेस्ट जो झाई होती है फीमेल में ज़्यादातर कॉमन देखी जाती है, बिकॉज हार्मोनल बेस्ड होती हैं। तो झाइयाँ मेल में भी होती हैं लेकिन परसेंटेज उसमें कम है, फीमेल में ज़्यादा होती है। लेकिन यंग फीमेल में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, शादी पहले तो ये मिथ छोड़ दें कि झाइयाँ केवल शादी के बाद होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद होती हैं, ये मिथ है। बिना प्रेगनेंसी के भी यंग लड़की को भी, 15 साल की लड़की को भी झाइयाँ हो सकती हैं विदाउट एनी प्रेगनेंसी और अदर हार्मोनल चेंज। बेसिकली हार्मोनल चेंज की वजह से ही ज़्यादातर होती है, और उसको उसका ट्रीटमेंट करके विदाउट अंडरलाइंग हार्मोनल चेंज करे भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यंग एज में हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते हम। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारा कोई भी झाई है या फेशियल पिगमेंटेशन है, पहली चीज़ है हमें हमेशा लाइट से बचाव करना है। अगर हमारा स्किन फोटो सेंसिटिव है, लाइट के प्रति सेंसिटिव है, तो लाइट से हमें पिगमेंटेशन बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अब लाइट का मतलब कॉमनली लोग समझते हैं केवल सन में लाइट जाएंगे तो बाहर जाएं तो प्रिकॉशन रख लें, ऐसा नहीं है। नॉर्म कॉमनली अगर देखा गया कि टीवी की लाइट, ट्यूब लाइट, कंप्यूटर लाइट, सन लाइट, ये सभी लाइटें हमारे पिगमेंटेशन को पैदा कर सकती हैं। तो इन जितना अगर कोई सेंसिटिव है, जल्दी पिगमेंटेशन होने की उसकी टेंडेंसी है, तो वो उसको चाहिए कि वो हमेशा लाइट से बचे। और उसके लिए कॉमन थिंग है कि वो सनस्क्रीन यूज़ करे। सनस्क्रीन वैसे मिसनोमर है, सनस्क्रीन से लगता है कि हमें ड्यूरिंग सन एक्सपोजर ओनली सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इसका नाम लाइट स्क्रीन बोले तो बढ़िया है, क्योंकि हमें कंप्यूटर के सामने भी यूज़ करना है, ब्राइट लाइट के सामने भी यूज़ करना है, एंड सन में तो करना ही है। और उसमें भी ये है, कई लोग सोचते हैं कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं, बादल छा रहे हैं, बारिश हो रही है, अभी सन नहीं है, तो ना करें, ना तब ज़्यादा यूज़ करना है। क्योंकि बेसिकली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो शीशे के पार भी आती हैं, बादलों के पार भी आती हैं, और क्लाउडी सीजन में भी बहुत आती हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि आज सन नहीं निकला है, बाहर क्लाउडी हो रखा है, आप सनस्क्रीन यूज करना, तो ये हमारी भ्रांति है। तो सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करें। सनस्क्रीन लगाने का तरीका ये होता है कि वो अगर केमिकल और फिजिकल दो तरह के सनस्क्रीन होते हैं। प्लेयर्स ज़्यादातर फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, उसका एक्शन लगाते ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो मुंह पे चमकता है ज़्यादातर, वाइटिश जो पैच बनाता है। तो प्रैक्टिकली हम वो यूज़ कम करते हैं, केमिकल सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसको एक्ट करने के लिए हमें 15-20 मिनट देने पड़ते हैं। तो उसको अच्छी तरह स्प्रेड करके 20 मिनट छोड़ दें, उसके बाद उसका एक्शन शुरू होता है। तो डिफरेंट सनस्क्रीन नॉर्मल एवरेज 2-3 घंटे काम करते हैं, कुछ कुछ सनस्क्रीन लेटेस्ट आए हैं तो 5-6 घंटे भी काम कर जाते हैं, अगर वो प्रॉपर कंपनी के बने हुए हैं और उनके प्रॉपर प्रिपरेशन हैं। सो लाइट से बचना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। फिर जो पिगमेंटेशन बन गया है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए डिफरेंट डीपिगमेंट क्रीम्स आती हैं, उनका प्रजुडिशियल यूज़ केवल डॉक्टर आपको बता सकता है। तो कभी भी आपका पिगमेंटेशन है तो अपने नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें और उन उपयोगों का यूज़ करें। प्लस उनमें कुछ ट्यूब ऐसी होती हैं जिनका लिमिटेड यूज़ होता है, वो यूज़ करने में या रिजल्ट लाने में अच्छी होती हैं, रिजल्ट फास्ट आता है, लेकिन यू कैन नॉट यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम। तो उनको शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, एंड फिर ऑफ एंड ऑन यूज़ कर सकते हैं अगर दोबारा पिगमेंटेशन आता है तो। कुछ ट्यूब ऐसी हैं उनको मेंटेनेंस के लिए कितने लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, उनका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये ट्रीटमेंट होता है, तो फिर सलाह लेंगे। नेचुरल चीज़ क्या हो सकते हैं अगर पिगमेंटेशन आए, हम चेहरे पे खीरा मल सकते हैं, आलू घिस सकते हैं, डाइट में विटामिन सी ज़्यादा खाते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अमरूद है,
आंवला, टमाटर, हरी मिर्च, तो ऐसी चीज़ें का उपयोग ज़्यादा करें, लाइट से बचाएं, और ये घरेलू चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो डॉक्टर ट्यूब बताएं उनको मेंटेन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट नॉर्मली जहाँ ही हो या पिगमेंटेशन का 3-4 महीने नॉर्मल एवरेज लेते हैं, कुछ पिगमेंटेशन ऐसे हैं तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं और कुछ पूरे ठीक नहीं होते, वो डिसीज कैटेगरी में अलग से आते हैं, लेकिन झाइयाँ काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। फ्रैकल्स होते हैं जो लाइट से बनते हैं, वो भी काफ़ी फेड कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसको कंट्रोल करने के बाद ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। सनस्क्रीन का यूज़ और ट्यूब का यूज़ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग हमें ऑफ एंड ऑन यूज़ करना चाहिए टू मेंटेन दैट। इसके बाद भी कभी 6 महीने साल 2 साल में कभी बढ़ जाए तो दोबारा सलाह लेकर ट्रीटमेंट ले लो, लाइक एनी अदर डिसीज़। आपको जुकाम खांसी कभी भी दोबारा होता है तो दोबारा ट्रीटमेंट लेते हैं। दुनिया में कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आपको आज इलाज कर दिया बुखार दोबारा नहीं होगा, दोबारा खांसी नहीं होगी, दोबारा जुकाम नहीं होगा। तो हमारा ट्रीटमेंट होता है डिसीज़ के लिए, ना कि ना होने के लिए प्रिकॉशन होती हैं। प्रिकॉशन की बात भी हो जाता है तो आप ट्रीटमेंट ले लें। सो झाई फोटोपिगमेंटेशन इज ट्रीटेबल विथ प्रिकॉशन, रखें तो वो दोबारा नहीं होगा। प्रिकॉशन रखें चाहे शुरू भी ना हो, और अगर हमें लगे लेट एज में हो रहा है, हार्मोनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सम टाइम हार्मोनल थेरेपी भी देके ठीक कर लेते हैं, इंटरनल कॉज को रेगुलेट करके। पीसीओएस है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई ड्रग्स चल रही है, किसी चीज़ की हार्मोनल चेंज करती हैं जो बॉडी में, उनको कंट्रोल करके, उनको चेंज करके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी है, और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो पर्सनल नंबर नोट कर लें, उससे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।